मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड में पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का जागरण 6 अप्रैल को अपराह्न 8 बजे जिला के कलुआही प्रखंड अंतर्गत शुभंकरपुर निवासी नॉलेज फर्स्ट कॉमर्स एकेडमी गांधी चौक मधुबनी के निदेशक सीएल सुजीत कुमार झा के पैतृक आवास पर हुई। पूरी पीठाधीश्वर यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, जहाँ इनके मधुबनी प्रवेश करते ही सैकड़ों बाइक सवार युवकों ने हाथों में भगवा ध्वज लिए अगवानी करते हुए विश्राम स्थल तक आए, जहाँ पूरे गांव को दुल्हन के तरह सजाया गया है। सड़कों पर रंगोली बनाया गया है, झंडों एवं थॉर्न द्वारा से पूरे गांव को सजाया गया है। अपने अपने घरों के सामने लोगों ने ऐसे दिए जलाए रखे थे मानो दीपावली हो। रास्ते में नन्नारी एवं बच्चों ने पूरी पीठाधीश्वर के ऊपर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया है। विश्राम स्थल पर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य का एक झलक पाने के लिए हजारों नन्नारी बेताब थे। इनके स्वागत में भजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। यह दूसरे दिन 7 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से धर्मगोष्ठी, दीक्षा एवं चरण पादुका पूजन कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसके बाद भोजनोपरांत अपराह्न 4 बजे सिद्धस्थल डोखर भगवती स्थान यानी कि राजराजेश्वरी के दरबार में विशाल धर्म सभा को संबोधित करेंगे। आगमन से लेकर प्रस्थान के कार्यक्रम की सफलता को लेकर झा के शुभंकरपुर स्थित आवास पर सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। सेवानिवृत्ति एसडीओ जल संसाधन विभाग बोध किशन झा के घर को भव्य रूप से सजाया गया है, जहां ग्रामीणों ने 15 व्यक्तियों के साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी को जयदेव पट्टी से अगवानी करलाने के लिए मधुबनी से सैकड़ों बाइक के काफिला से एस्कर्ट कर लोहा गांव के शुभंकरपुर पहुंचने पर 5 कुंवारी कन्याओं से सहनाई के बीच मंगलाचरण मैथिली स्वागत गान से स्वागत किया गया। अगले दिन धर्मगोष्ठी, चरण पादुका पूजन एवं दीक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए तन मन धन से लोग लगे हुए हैं। कल कई कार्यक्रम में शंकराचार्य भाग लेंगे, जिसको लेकर निर्धारित कार्यक्रम स्तर पर भव्य तैयारी पूरा कर लिया गया है। सभी कार्यक्रम में प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद झा, बैद्यनाथ झा, मोहन झा, कृष्णकांत झा, पंकज झा, दिलीप झा, उदयचंद्र झा, रविंद्र झा, अमर झा, सुधीर झा, सुमित झा, इंदु झा, सुमन झा, छोटू मंडल, झरी मंडल, विश्राम कुमार झा सहित दर्जनों लोगों का सहयोग से बेहतर आयोजन की तैयारी की जा रही है। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।